दोस्तों, अगर आपके बच्चे की उम्र 0 से 5 साल के बीच में है या फिर 5 साल से अधिक और उनके आधार कार्ड में अगर उनका नाम या फिर माता पिता का नाम गलत है या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है या आप पुराने एड्रेस को हटा के नए वाले एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं तो ये सब काम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि किस उम्र के बच्चे के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और इसके लिए कितनी फी पे करनी पड़ेगी और ऑनलाइन बनने के बाद इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। और अगर जिस बच्चे के पास कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, जो जनरली 5 साल से छोटे बच्चों के केस में होता है, तो वो भी अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो नीचे कमेंट करके अपने बच्चे की उम्र और किस डिटेल को अपडेट करना चाहते हैं और क्या दिक्कत आ रही है वो जरूर बताओ। और जिनको सिर्फ आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज या अपडेट करना है तो वो काम आप घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अब आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, जिसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए आप फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं इंफोसर्च यूट्यूब चैनल। वैसे तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड बिल्कुल सही भी बना हुआ है लेकिन अगर उनकी उम्र 5 साल या 15 साल से अधिक हो गई है तो उसमें आपको बायोमेट्रिक अपडेट करना मैंडेटरी होता है, जिसके लिए आप हमारी इस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो चाइल्ड आधार कार्ड से जुड़ी सभी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें बायोमेट्रिक अपडेट कैसे करना है या 5 साल से छोटे बच्चों का आधार कार्ड आप घर बैठे फ्री में कैसे बनाएंगे तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और ऐसे ही बच्चों का आधार कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करना है तो किसी भी वीडियो को देखना है तो इस प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगा। और डेमोग्राफिक डिटेल जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस को ठीक करने के लिए यूआईडीआई की तरफ से आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। फर्स्ट, डॉक्यूमेंट बेस पे, जिसमें आपको कोई ना कोई एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। और सेकंड होता है एचओएफ, यानी कि हेड ऑफ फैमिली, जिसमें आपको कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको बच्चे की उम्र के हिसाब से किस ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक करनी है, जिसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको यूआईडीआई की इस ऑफिशियल साइट पे आना है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां बुक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के नीचे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ हमें आधार अपडेट वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद बच्चे के आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसको यहाँ एंटर करके नीचे कैप्चा कोड डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है और उस ओटीपी को यहाँ एंटर करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में सबसे पहले अपॉइंटमेंट डिटेल्स पूछी जाएगी, जिसमें रेसिडेंट टाइप और अपॉइंटमेंट टाइप को ऐसे ही सेलेक्ट कर देना है और फिर नीचे बच्चे का 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद बच्चे का पूरा नाम एंटर करना है। ध्यान रहे, यहाँ पे बच्चे का पुराने वाला नाम ही एंटर करना है, जैसा कि आधार कार्ड में लिखा होगा। और नीचे अगर आपको डेट ऑफ बर्थ ठीक करनी है तो यहाँ पे आपको नई वाली डेट ऑफ बर्थ को ही सेलेक्ट करना है, जिसके बाद यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि अभी तक बच्चे की उम्र कितनी है, जिसके हिसाब से बायोमेट्रिक अपडेट करने का ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है, जो अभी आपको नेक्स्ट पेज पे देखने को मिलेगा। तो इसके बाद एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप के ऑप्शन को ध्यान से समझना, जिसकी स्टार्टिंग में हमने बात की थी। तो अगर आपके बच्चे के नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस में सुधार करने के लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करना है। और अगर किसी बच्चे के पास कोई भी आईडी, एड्रेस या फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं है तो यहाँ HOF को सेलेक्ट करेंगे, जिसके हिसाब से ही नेक्स्ट पेज में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो मैं आपको एक एक करके दोनों ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स बेस पे अपडेट करने के प्रोसेस को समझते हैं। इसके बाद आपको अपनी स्टेट और सिटी को सेलेक्ट करके अपने पास के किसी भी एक आधार सेवा केंद्र को सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको बच्चे की जो भी पर्सनल डिटेल्स को अपडेट करना है, बस उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि मेरे बच्चे की उम्र अभी 2 से 3 साल के बीच में है तो यहाँ अभी बायोमेट्रिक का ऑप्शन ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, क्योंकि वो अभी मैंडेटरी नहीं होता। और अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल या 15 साल से ज्यादा हो गई है तो यहाँ पे बायोमेट्रिक पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके आएगा, अगर आपने पहले अपडेट नहीं किया होगा, क्योंकि यूआईडीआई ने इसे उम्र के हिसाब से मैंडेटरी कर दिया। जिसको डिटेल्स में समझने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब अगर डॉक्यूमेंट बेस पे बच्चे का नाम में कोई भी सुधार करना है तो यहाँ नेम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और नीचे नया वाला नाम एंटर करेंगे और सामने आपसे आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाएगा, जो भी नए वाले नाम से पहले बना हुआ। तो इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे यूआईडीआई का स्टैंडर्ड फॉर्मेट का सर्टिफिकेट हो, डिसेबिलिटी कार्ड हो, पासपोर्ट या बैंक पासबुक हो, मार्कशीट हो या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो। तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट का यूज आप बच्चे के नाम को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ ठीक करनी है तो यहाँ ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और जो भी डेट ऑफ बर्थ पीछे आपने एंटर की थी वो सामने यहाँ पे आ जाएगी। और इसको प्रूफ करने के लिए भी आपको एक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना होगा, जिसके लिए बच्चे के केस में जनरली बर्थ सर्टिफिकेट ही मांगा जाता है। और अब तो भारत सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट उन सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी कर दिया जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है। फिर चाहे आपको नया आधार कार्ड बनाना हो, स्कूल में एडमिशन लेना हो, पासपोर्ट, पैन कार्ड
कार्ड और सभी सरकारी सेवाओं के लिए जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। और डेट ऑफ बर्थ में अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करेंगे तो अब आपको इसके साथ साथ यहाँ से UIDAI का स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाला फॉर्म डाउनलोड करना होगा और इस फॉर्म को फिल करके यहाँ किसी भी एक अधिकारी से अटेस्टेड करवाना होगा ताकि आप पहले की तरह कोई भी अपनी गलत जन्म तिथि को अपडेट ना कर सके। तो नीचे इसी फॉर्म में सैंपल फॉर्म भर के दिया हुआ है जिसको देख के आप इसे फिल कर सकते हैं और अटेस्टेड करवा के अपलोड कर ले। अब बात करते हैं एड्रेस की। तो यहाँ एड्रेस को सेलेक्ट करके नीचे अपना नया वाला एड्रेस एंटर करना है और उसके लिए भी आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। लेकिन अगर आपको अब किसी के भी आधार कार्ड में सिर्फ एड्रेस को ही अपडेट करना है तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके जिनके पास नए वाले एड्रेस का कोई प्रूफ है तो वो इस वीडियो को देख के ऑनलाइन ही अपना एड्रेस घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। और जिनके पास अगर नए वाले एड्रेस का कोई प्रूफ नहीं भी है जो जनरली रेंट पे रहने वालों के साथ होता है तो वो इस वीडियो को जाके फॉलो कर सकते हैं। और बाकी की डिटेल्स को अपडेट करने के लिए जैसे कि जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। तो अगर उसमें भी आपको कोई चेंजेस करना है तो उसको यहाँ सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो ये बात हुई अभी तक उन बच्चों के लिए जिनके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। अब बात करते हैं HOF यानी कि हेड ऑफ फैमिली के बेस पे अपडेट करने की। तो पीछे हमने जहाँ डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया था वहाँ हमें HOF को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ नेम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ नेम वाले नाम को एंटर करना है और सामने आइडेंटिटी प्रूफ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन HOF बेस पे करेक्शन के लिए अब आपको बर्थ सर्टिफिकेट को किसी से अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और HOF का ऑप्शन का बेनिफिट उन बच्चों के लिए होता है जो जनरली 5 साल से छोटे होते हैं क्योंकि ज्यादातर उनके पास आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं होता। UIDAI के नए अपडेट के बाद बर्थ सर्टिफिकेट को आइडेंटिटी प्रूफ नहीं माना जाता क्योंकि उसमें बच्चे की फोटो नहीं होती। लेकिन HOF बेस पे नाम और डेट ऑफ बर्थ को जब भी आप अपडेट करेंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट देना भी मैंडेटरी होता है। अब इसके बाद नीचे हेड ऑफ फैमिली की डिटेल्स को एंटर करना है जिसमें सबसे पहले रिलेशनशिप को सेलेक्ट करना है, मतलब जिस बच्चे के आधार कार्ड में आप अपडेट कर रहे हैं उनसे आपका क्या रिश्ता है, जैसे फादर, गार्डियन, हस्बैंड, मदर या वाइफ। तो जो लड़कियां शादी के बाद अपने आधार कार्ड को अपडेट करना चाहती है तो ऐसे ही वो भी अपने HOF वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके कर सकती हैं। और हेड ऑफ फैमिली में आप अपने हस्बैंड को सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हेड ऑफ फैमिली के आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करके आपके बच्चे के आधार में डिटेल्स को अपडेट किया जाता है। तो यहाँ जिस रिलेशन को सेलेक्ट किया है सामने उसका पूरा नाम एंटर करना है और यहाँ उनका आधार नंबर है तो जरूर डालें और सामने एक रिलेशनशिप प्रूफ देना मैंडेटरी होता है ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि वो बच्चा आपका ही है। तो इस केस में बर्थ सर्टिफिकेट ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बच्चे का नाम के साथ साथ माता पिता का नाम भी होता है। और अगर HOF बेस पे आपको डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करना है तो इसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ UIDAI के फॉर्म को भी अटेस्टेड करवाना होगा जैसे डॉक्यूमेंट बेस पे किया था। और एड्रेस को अपडेट करने के लिए सिर्फ आपको हेड ऑफ फैमिली के साथ एक रिलेशनशिप प्रूफ देना होता है। और जो लोग रेंट पे रहते हैं वो UIDAI के स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाले सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हैं जिसे आप MP MLA से अटेस्टेड करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट वाली वीडियो को जरूर देखें। बस डॉक्यूमेंट बेस पे आपको उस पर्सन के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और HOF बेस पे आपको फैमिली का जो भी हेड होता है उनके बिहाफ पे ऑथेंटिकेट करके आधार कार्ड को अपडेट किया जाता है। और इतना करने के बाद नीचे आपको सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना है और जिस दिन की आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है यहाँ पे उस दिन की डेट और टाइम स्लॉट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सभी डिटेल्स को एक बार रिव्यू कर लेंगे और अगर सारी डिटेल्स ठीक है तो नीचे सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस पॉपअप मैसेज को ओके कर देंगे, फिर से एक पेमेंट के लिए पॉपअप मैसेज आएगा और इसको भी ओके कर देंगे। और इसके बाद जो भी आपकी फी होगी उसको ऑनलाइन ही पे कर देना। आप ये फॉर्म देख सकते हैं जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स हैं जिसका प्रिंट आउट आपको आधार सेंटर पे लेके जाना है और साथ में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी। तो कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना।